नमस्कार दोस्तों दोस्तों कल गुजरात के सरपंच चुनाव के नतीजे सामने आए और बेहद ही रोचक जो नतीजे हैं वो सामने आए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो पहले कभी नहीं हुई, जिनमें से एक मामला संतोष भाई का है। उनके परिवार में 12 सदस्य हैं और उनको वोट मिला है केवल एक। ये जब वाकया हुआ तो संतोष भाई इतने ज्यादा जो है भावुक हो गए, जब नतीजे आए तो वही नतीजों के आने के बाद ही रो पड़े। और सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है, ये जो फोटो है, ये नतीजा है जो बहुत ज्यादा जम के वायरल हुआ और लोगों ने भी उनके लिए बहुत संवेदनाएं व्यक्त करी। भावुक हो गए लोग भी उनके साथ कि ऐसे कैसे घर वाले हैं जिन्होंने खुद को वोट नहीं दिया, अपने अपने घर वाले के लिए वोट नहीं करा, जो अपने हैं वो अपने नहीं कहलाए और जीवन भर संतोष भाई को अपने घर वालों पर कभी भरोसा नहीं रहेगा। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी सलाह दे दी कि संतोष भाई को मोदी जी को जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जिसके घर वाले ही उसके अपने नहीं है उसका कौन है, उसके तो सारे दुश्मन ही है यानी कि। और ये जो जोक था वो असलियत में सच्चाई बनकर कल साबित हुआ। ये जो जेड सिक्योरिटी वाला जोक बना था वो बिल्कुल यथार्थ सच्चाई बनके उभरा। यहाँ पर लोगों ने तरह तरह की बहुत मजाक भी उड़ाई संतोष भाई की और एक व्यक्ति ने तो ये तक कहा कि भाई फिर से चुनाव लड़िए, मैं आपको वोट दूंगा और आप बहुत बड़े नेता बनेंगे। भाई इनको ऐसी सलाह मत दो, क्यों उनको घर गृहस्थी बर्बाद कराना चाहते हो? पहले वो इतने सरपंच के चुनाव लड़ करके इतने पैसे वेस्ट कर चुके होंगे, अब आपके एक वोट के लिए फिर से वो कंगाल हो जाए, बिक जाए क्या? ऐसी सलाह ना दीजिए। बाकी मेरा ये मानना है कि कुछ कमी तो उनके अंदर भी होगी जिसके घर वालों ने उनको वोट नहीं दिया। जो इंसान इलेक्शन में खड़ा होता है वो सबका प्रिय होना जरूरी है और जिसके घर वाले ही उसको प्रिय नहीं मानते तो उसको बाहर वाले क्या प्रिय मानेंगे। तो संतोष जी को सबसे पहले अगर नेता बनना है तो उनको सबका लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे और सबका अच्छा बनना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस वाक्य के बारे में बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।